नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ। दोस्तों, आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी की सेवा में उपलब्ध हैं एक नई औषधि लेकर के, जो आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होंगी। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आंवला के संबंध में। जो आंवला आकार में बड़ा होता हो, गूदे में रेशा नहीं हो, बेदाग और हल्की सी लाली लिए हुए हो, वह आंवला सबसे अच्छा होता है। आंवला सर्दी ऋतु में ताज़ा मिलता है। नवंबर से मार्च तक आंवला ताज़ा मिलता रहता है। जनवरी फरवरी में आंवला अपने पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। इसी समय आंवले का मुरब्बा, अचार, जैम आदि बनाएं। आंवला मोटा और दाग रहित काम में लें। विटामिन सी का गोला है, गोल मटोल आंवला राजा। विटामिन सी का गोला है, गोल मटोल आंवला राजा। गुण इसके नहीं मिटते हैं, चाहे सूखा हो या ताजा। जी हाँ दोस्तों, एक आंवले में विटामिन सी 4 नारंगी और 8 टमाटर या 4 केले के बराबर मिलता है। इसीलिए यह शरीर के रोगों से लड़ने की शक्ति में महत्वपूर्ण है। विटामिन सी की गोलियों की अपेक्षा आंवले का विटामिन सी सरलता से पच जाता है। आंवले में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स में मुख्य हैं रेशादार पेक्टिन। यह रक्त वाहिनियों के विकारों को नष्ट करने में सक्षम है। आंवला मधुरता व शीतलता के कारण पित्त को शांत करता है। आंवला पित्तनाशक होने के कारण रक्तपित्त, शीतपित्त, अम्लपित्त, परिणामशूल आदि पीत प्रधान रोगों की प्रधान औषधि है। आंतरिक शक्ति बढ़ाने वाली औषधियों का प्रधान घटक आंवला ही है दोस्तों। आंवले में एक रसायन होता है जिसका नाम सक्सिनिक, जी हाँ दोस्तों, सक्सिनिक अम्ल है। सक्सिनिक अम्ल बुढ़ापे को रोकता है और इसमें पुनः यौवन प्रदान करने की शक्ति भी होती है। आंवले में विद्यमान विभिन्न रसायन बीमार और जीर्ण कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में अपना अच्छा योगदान देते हैं। बुढ़ापे से बचने के लिए आंवले के रस में मिश्री और घी मिलाकर सेवन करें। सूखा पिसा हुआ आंवला नित्य एक चम्मच पानी के साथ फंकी लेने से शरीर में कांति एवं नवयौवन आता है दोस्तों। बुढ़ापे की कमजोरी, बुढ़ापे में शरीर में चूने की मात्रा बढ़ जाती है। चूने की अधिकता हड्डियों, स्नायुओं और रक्त वाहिनियों को कठोर बना देती है। इससे शरीर की गतिशीलता में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। आंवले का नित्य सेवन इस कठोरता से दूर करके सारी प्रक्रियाओं को समुचित रखता है। आंवला बुढ़ापे के लिए अमृत तुल्य है दोस्तों। बुढ़ापा देर से, जी हाँ दोस्तों, सूखा आंवला पीस लें। इसकी 2 चम्मच रोटी के साथ नित्य खाने से बुढ़ापा देर से आएगा और जवानी बनी रहेगी दोस्तों। झुर्रियाँ व झाइयाँ, नित्य सुबह शाम चेहरे पर किसी भी तेल की धीरे धीरे मालिश करें। रात को एक कांच का गिलास पानी से भरकर इसमें 2 चम्मच पीसा हुआ आंवला भिंगो दें और नित्य प्रातः पानी छानकर चेहरा इस पानी से धोएं। ऐसा करते रहने से चेहरे की झुर्रियाँ व झाइयाँ दूर हो जाएंगी। आंवला विटामिन सी की गोलियाँ और जुकाम की दवाइयाँ बनाने में काम आता है दोस्तों। आंवला ठंडी प्रकृति का है। आंवले की विशेषता यह है कि सूखने पर भी इसके गुण नहीं नष्ट होते हैं। आप हरा सूखा किसी भी रूप में आंवला खाकर इसके समान गुण प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आंवले के नियमित सेवन से नेत्र ज्योति और स्मरण शक्ति बढ़ती है। स्कर्वी रोग में आंवले का सेवन लाभकारी है। आंवला अमीनो अम्ल का उत्पादन करता है और जख्मों को शीघ्र भरने में मदद करता है। दिल की बेचैनी, मैदा, तिल्ली, रक्तचाप, दाद, दांत और मसूड़ों के कष्टों को दूर करने में आंवला गुणकारी है दोस्तों। इसके सेवन से शरीर में आरोग्य शक्ति बढ़ती है। रक्त बनाने में यह फल उपयोगी है। आंवला खाने वालों में संक्रमण का प्रभाव कम होता है। यह कब्ज को दूर करता है। आंवले में सारे रोगों को दूर करने की शक्ति है। आंवला युवकों को यौवन प्रदान करता है और बूढ़ों को युवा जैसी
शक्ति। गर्मियों में चक्कर आते हों, जी घबराता हो तो आंवले का शरबत पिएं, दिल धड़कता हो तो आंवले का मुरब्बा खाएं। आंवले में विटामिन सी सर्वाधिक होता है। मनुष्य को प्रतिदिन 50 मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है, जो 1.6 औंस आंवले के रस में मिल जाता है। एक आंवला 2 संतरे के बराबर होता है। दांतों और मसूड़ों को आंवला कठोर बनाता है, शरीर में आरोग्य शक्ति बढ़ाता है। आंवले का मुरब्बा ताकत देने वाला होता है दोस्तों। बालों, त्वचा, पेट और आँखों के लिए आंवले का मुरब्बा खाएं। यह शरीर और मस्तिष्क को ठंडक प्रदान करता है और शरीर की गर्मी को शांत करता है। यह गर्भवती के लिए हितकारी है। एक अच्छा आंवला एक अंडे से अधिक बल देता है। मस्तिष्क, हृदय की बेचैनी, धड़कन, मेदा, तिल्ली, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, दाद में आंवला लाभदायक है दोस्तों। आंवला शक्ति और स्वास्थ्य वर्धक है। इससे वीर्य की निर्बलता दूर होती है, दांतों में चमक आती है, मस्तिष्क के तंतुओं में तरावट आती है। सूखे आंवले का गुण, टूटी हड्डी जोड़ने वाला, धातुवर्धक, मेद वृद्धि नाशक है। कच्चे आंवले का रस पीना चाहिए। रात को सोते समय 10 ग्राम आंवले का चूर्ण 25 ग्राम शहद में मिलाकर लेना चाहिए। इसे चटनी, कच्चा, अचार, शरबत, मुरब्बा किसी भी तरह प्रयोग करना चाहिए। नित्य 2 बार खाने के बाद पीसा आंवला 1-1 चम्मच पानी के साथ फंकी लेने से कब्ज के कारण सिर दर्द, गैस, आँखों व हाथ पैरों में जलन, गुदा में जलन, दर्द दूर हो जाता है दोस्तों। नियमित लेते रहने से मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, दमा, श्वास में आराम होता है, रक्त शुद्ध होता है, रक्त संचार ठीक होता है, यकृत ठीक रहता है दोस्तों। 2 चम्मच पीसा आंवला 2 कप पानी में उबालकर पानी छानकर पीने से भूख तेज लगती है, भोजन का स्वाद अच्छा लगता है। पीसे हुए आंवले को पानी में घोलकर उबटन की तरह मलकर स्नान करने से त्वचा चमकदार और रोग रहित होती है दोस्तों। तो देखा आप सभी के लिए एक आंवला कितना गुणकारी होता है दोस्तों। हम अपने अगले सेगमेंट में आप सभी को आंवले के कुछ एक और गुणों से परिचित कराएंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।